हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की ओर से उदयपुर संभाग में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रचार रथ को तैयार करवाया गया। इस रथ में सवार होकर कटारिया आज उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से रवाना हुए। कटारिया विधानसभा चुनाव से पहले पूरे संभाग भर में इस रथ के माध्यम से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिन जिन लोगों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उसके पक्ष में भी प्रचार प्रसार करेंगे। इस रथ को रवाना करने से पहले पार्टी कार्यालय के बाहर जोरदार आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के बाद कटारिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने रवाना होने के साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी इसी तरह से पूरे उदयपुर संभाग में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की ओर से एक रथ तैयार करवाया गया था, लेकिन उस दौरान पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विरोध के चलते कटारिया की ये आस अधूरी रह गई थी। लेकिन अब एक बार फिर कटारिया ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार रथ बनाया है। इसके माध्यम से कटारिया उदयपुर शहर विधानसभा के साथ साथ पूरे उदयपुर संभाग में सभी 28 सीटों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी को जिताने का आम लोगों से आह्वान करेंगे। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।